हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थाल पोस्ट बना के दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर और आसान डिजाइन में, बिल्कुल सिंपल डिजाइन होगा। स्टार्टिंग करेंगे सेवन चेन से। सर्कल बना लेना है पहली चेन में डाल के। अभी तीन चेन लेंगे और जो सर्कल हमने बनाया है इसमें हमें टोटल 27 डबल क्रोशिया बनाने हैं। काउंट करके बनाएंगे तो डिजाइन बहुत अच्छा आएगा और बराबर आएगा, छोटा बड़ा या ऐसे नहीं बनेगा। तो काउंट करके ही बनाएंगे 27 डबल क्रोशिया। ये चार हो गए, तो ये देखिए 27 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और जो ये चेन ली थी थर्ड वाली पर बांध लेना है। एक स्लिप स्टिच ले लेंगे और यहां से फिर शुरू करेंगे। तीन चेन और सेम जगह पर एक डबल क्रोशिया और सेम चेन में। अभी दो चेन लेंगे, एक और दो, दो छोड़ेंगे थर्ड में डाल लेंगे। इस तरह से इसके नौ पार्ट करने हैं हमें। वन टू थ्री, नाइन पार्ट हो जाएंगे इस तरह से। और अगर आपको ये वाला खिंचा हुआ लगे तो यहाँ तीन चेन ले सकते हैं, दो की जगह पे तीन चेन। ये मैं दो ले रही हूँ, मेरे को ठीक लग रहा है कि नहीं खिंच रहा है। अगर आपको लगे कि ये तो इकट्ठा हो रहा है ऐसे खिंच के, तो आप तीन चेन ले। ये दो चेन मैं कंटिन्यू लूंगी, जितना भी बनाऊंगी पूरे में दो चेन ही लूंगी। इस तरह से नौ पार्ट कर लेने, 27 का तीन के हिसाब से नौ पार्ट। तो ये देखिए इस तरह से नौ पार्ट इसके कर लेने, काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब दो चेन लेके यहां पर जो थर्ड वाली चेन है उसमें डालना है। यहां से वापस से शुरू करेंगे तो ये दो डबल क्रोशिया है, अब हम तीन बनाएंगे यहां पर एक बीच में और दोनों डबल, दो डबल क्रोशिया उनके ऊपर। फिर दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे। जितनी साइज आपको रखनी है थाल पोस्ट की उस हिसाब से कंटिन्यू बनाते जाना। इसके लिए हमें ये 11 या 13 या 15 जितने बने तब तक बना लेने हैं। उसके बाद इनको हमें कम करना है डिजाइन के हिसाब से, तो हम बना लेंगे। पहले इसी तरह से हर एक राउंड में दो बढ़ाने हैं। अभी तीन है, फिर पांच, फिर सात, फिर नौ। इस तरह से कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे और 15 तक या इससे भी ज्यादा भी साइज बनाना है तो ज्यादा भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से बना के तैयार कर लूंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 9 तक तो बना लिए हैं। अब मैं इसको और थोड़ा साइज बढ़ाऊंगी, तो इसके लिए 11 या 15 एक दो राउंड तो और लेऊंगी, उसके बाद मैं इसको कम करना शुरू करूंगी, तो दो तीन राउंड और ले लूंगी मैं। सेम ऐसे ही बनाते जाना है कंटिन्यू, बहुत ही आसान डिजाइन है। लास्ट में फिनिशिंग करेंगे बहुत ही सुंदर कलर में, और बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 डबल क्रोशी हो गए हैं मेरे एक बॉक्स में, तब तक मैंने बना लिया है, और ये 8 राउंड टोटल बने हैं, 2 से शुरू होके और 15 तक। तो इस तरह से बना लेना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसका साइज बढ़ाना हो तो क्या करें, या इसमें झोल आता है तो उसका क्या करें। तो साइज बढ़ाने के लिए आप कंटिन्यू इसमें चाहे तो 8 राउंड ही और बढ़ा सकते हैं ऊपर, वो या फिर 2 राउंड 3 राउंड, जितना साइज आपको बढ़ाना है उस हिसाब से आप इसका ही साइज बढ़ाते जाएं, उसके बाद कम करना शुरू करें। तो इस तरह से साइज बढ़ जाएगा, और अगर झोल आ रहा है तो थोड़ा टाइट लूप बनाए, लूज नहीं बनाए, तो उससे झोल भी नहीं आएगा फिर। तो इस तरह से अब हम डिजाइन तैयार कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इसमें कम करते जाएंगे डबल क्रोशिए। कम करने के लिए जो ये वाला डबल क्रोशिया है ये छोड़ देंगे, ये नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट से शुरू करेंगे। तो एक राउंड में 2 डबल क्रोशिए कम करने हैं, जैसे कि 2 डबल क्रोशिए बढ़ाए हैं हमने, वैसे कम भी 2 ही करने हैं। और अब कंटिन्यू बना लेंगे और एक लास्ट का छोड़ देंगे। तो देखिए, एक इधर कम हो गया और एक ये वाला इधर छोड़ देंगे, ये नहीं बनाएंगे। और यहां से टर्न करेंगे और एक स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तक, इस तरह से। तो ये वाला कम हो जाएगा इस राउंड में। इस तरह से जब तक 2 बचेंगे बनाते जाएंगे, कम करते जाएंगे स्लिप स्टिच लेके साइडों में, और सारे ऐसे ही बना लेने हैं फिर कंटिन्यू। इसके भी 8 ही राउंड बनेंगे, जो कि बढ़ाए तब हमने 8 राउंड बनाए हैं, तो इसके भी घटाने में 8 राउंड ही बनेंगे। यहां तक बना लेना है, ये लास्ट वाला छोड़ देंगे ये, और यहीं से टर्न कर लेंगे स्लिप स्टिच, और फिर यहां से। तो ये कम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक 2 बचे मैंने ये पूरा बना लिया, ये देखिए। तो इस तरह से ये सारे बना लेने हैं, और लास्ट में इसकी फिनिशिंग करेंगे, जिससे कि ये डिजाइन बहुत सुंदर निखर के आएगा। तो कंटिन्यू बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बना लेना है, बिल्कुल आसान डिजाइन है, पूरा फ्लावर बन गया है। अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग में आप कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, जो भी आप लगाना चाहें। ये मैं पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर है ये यूज करूंगी। यहां से करेंगे स्टार्टिंग, कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी जगह से शुरू कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट छोड़ के यहां से स्टार्ट कर लेना है कहीं से भी। तीन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया सेम जगह पे।
अगर आप कोई और डिजाइन में फिनिशिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे डिजाइन में फिनिशिंग करके दिखाई हुई है हमने चैनल पर, आप किसी और डिजाइन में भी फिनिशिंग कर सकते हैं इस तरह से लेके, और यहां पर बांध लेना है नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट में बनाएंगे दो, बीच में एक चेन, दो डबल क्रोशिया और सेम जगह पे, तो इस तरह से फिनिशिंग करूंगी मैं। चार हो गए, अब इसको यहां पर बांध लेना है। फिर नेक्स्ट में डालेंगे इसमें डाल लेंगे, ये बीच का है तो यहां पर हम छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन एक साइड में, बीच में एक चेन लेके तीन और, तो छह बना लेंगे एक चेन। तो इस तरह से ये छह बन गए। यहां बांधने के बाद नेक्स्ट में फिर से बना लेंगे चार वाला, सेम ऐसे ही डिजाइन जैसे इस साइड में बनाया है। तो ये देखिए दोनों साइड में एक जैसा बन गया है। अभी हमें इसमें भी डिजाइन डालेंगे, जो बीच वाला ये एक दो चेन लेके हमने छोड़ा हुआ है ये वाला, तो इसके लिए दो चेन लेंगे यहां पर, लास्ट में यहां पर बांध लेना है इसे, और अब दो चेन लेनी है इसमें बांधने। फिर दो चेन, इस तरह से कंटिन्यू बनाने वापिस आ जाएंगे ऐसे ही, दो दो चेन लेके यहां तक, और फिर यही डिजाइन बनाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग करेंगे, सभी पे कर लेंगे और पूरे में बना लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिजाइन हमारा बनके तैयार है, बहुत ही सुंदर डिजाइन, फिनिशिंग हो गई है इसकी। तो इस तरह से ये डिजाइन आ जाएगा जब फिनिशिंग हो जाएगी, बीच में भी हम फ्लावर लगाएंगे पेंसिल फ्लावर बना के, अगर ऐसे ही रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो पेंसिल फ्लावर बनाना इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से।
तो ये देखिए इस तरह से पेंसिल फ्लावर बना के और यहाँ पर यूज करेंगे। मोती भी यूज कर सकते हैं एक व्हाइट इस पर। तो इस तरह से ये डिजाइन बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही सुंदर डिजाइन में थालपोस हमारा बनके तैयार है। तो इस तरह से बना लेंगे। तो अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।